मैं सुरेश प्रस्तुत कर रहा हूँ हिंदुस्तान समाचार पत्र का न्यूज़। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। सही करें, यदि आप सही है तो आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सही है। आप खुद भी जानते मैं सही हूँ, तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने नियम पर, अपने कानून कायदा के अनुसार रहिए और कुछ भी साबित करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वक्त, यदि आपको कोई भी मुसीबत आए तो मुसीबत में घबराइए नहीं, क्योंकि सही है आप तो वक्त आने पर आप वक्त खुद ही सभी साबित कर देगा। DU में BCOM के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। अब दिल्ली विश्वविद्यालय है ना, उसमें BCOM में प्रवेश के लिए एक परीक्षा की आयोजन किया जाएगा, जिसमें पास होने पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसके बाद एडमिशन किसी को होगा। JNU में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की व्यवस्था मंजूरी मिल गई है। हमारे देश के नौसेना यहाँ उसके लिए एक नया सैनिक बेस बन रहा है जो चीन के आसपास है। इसमें बहुत सुविधा मिलेगी, जिससे हमारी नौसेना की ताकत को मजबूत आधार मिलेगी। हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनका कहना है कि पेट्रोल तो अभी GST से बाहर है, लेकिन एक 1.5 साल में पेट्रोल भी GST के अंदर में आ जाएगा। व्हाट्सएप में पहले ग्रुप एडमिन कोई भी हट जाता था तो ये ग्रुप एडमिन दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता था, उसे जोड़ने या हटाने की ताकत थी ही, मगर अब उस संदेश को भी रोक सकेगा, क्योंकि पहले रहता था कोई कुछ मैसेज रोक नहीं सकता था, कोई भी कुछ डाल देता था ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, किंतु अब वो मैसेज को भी रोक सकता है। ये साइबर क्राइम यानी नेट के माध्यम से जो क्राइम होता है ना, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। उससे भी असुरक्षित है हमारा मुंबई, जहाँ इसे बिजनेस और ढेर सारे अपराध में आगे रहता है। सलीक पारेख इंफोसिस के CEO और MD बनेंगे। पहले तो आधार जो मोबाइल से जोड़ना रहता था तो किसी दुकान पर जा करके वो आधार जुड़ाना पड़ता था, किंतु अब मोबाइल कंपनी और आधार का जो UID जो है वो कहा है कि OTP के माध्यम से भी आधार जुड़ सकता है। उसके लिए आपको उस मोबाइल कंपनी के वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पे वेरीफाई करके OTP के माध्यम से आधार को लिंक कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ऐसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे को भी जानकारी मिल सके। जय हिंद।